भारत में बन सकता है दुनिया का सबसे बड़ा और मोस्ट पावरफुल न्यूक्लियर पावर प्लांट। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। दरअसल हाल ही में यहाँ पर फ्रेंच स्टेट कंट्रोल्ड एनर्जी ग्रुप है, EDF ग्रुप, तो इन्होंने एक बिडिंग ऑफर को फिल किया है और रिसेंटली ही उन्होंने 22 अप्रैल को ही इस ऑफर को फिल किया था। इस ऑफर के तहत वो 6 न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनाने में हेल्प करेंगे विद थर्ड स्टेज ERP न्यूक्लियर रिएक्टर इन महाराष्ट्र। यहाँ पर EDF ने कहा कि ये एक काफी ज्यादा की स्टेप हो सकता है इन कॉन्ट्रीब्यूटिंग टूवर्ड्स बिल्डिंग वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल न्यूक्लियर प्लांट इन इंडिया। तो 22 अप्रैल 2021 को EDF ने ये जो बिडिंग ऑफर सबमिट किया है टू NPCIL यानी कि न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, तो इस ऑफर के तहत ये लोग हेल्प करेंगे इंडिया को इन इंजीनियरिंग स्टडीज और साथ ही में कुछ स्पेशल तरह के इक्विपमेंट्स को भी प्रोवाइड करेंगे, जो कि इस तरह के 6 न्यूक्लियर रिएक्टर्स और वो भी थर्ड जनरेशन के EPR रिएक्टर्स बनाने में मददगार होंगे। अब मान लीजिए अगर ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से कम्प्लीट हो जाता है तो इसकी कैपेसिटी होगी अ वॉपिंग ऑफ 10 GW की। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो कि रफली इतनी कैपेसिटी से हम 7 करोड़ इंडियन हाउसहोल्ड को पावर कर सकते हैं। बट 15 साल लग जाएंगे इस तरह के कंस्ट्रक्शन को पूरा करने के लिए। लेकिन अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि 15 साल बाद ही हम यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकेंगे। यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना पहले ही स्टार्ट कर दिया जाएगा ड्यूरिंग देयर कंस्ट्रक्शन फेजेस। अब यहाँ पर EDF ने एक स्टेटमेंट को भी जारी किया है जहाँ पर इन्होंने बताया है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है तो इसका फाइनलाइजेशन वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं आने वाले कुछ महीनों के भीतर। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये जो फ्रेंच स्टेट कंट्रोल्ड एनर्जी ग्रुप है EDF, तो ये कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे। यहाँ पर हमारी कंपनी NPCIL रिस्पॉन्सिबल होगी इस तरह के 6 यूनिट्स के कंस्ट्रक्शन और साथ ही में इसका कमीशन भी वो करेंगे एट जयपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट इन महाराष्ट्र, एज वेल एज जो भी नेसेसरी परमिट्स या फिर कंसेंट्स चाहिए होंगे तो वो भी ये सारी फॉर्मेलिटीज NPCIL ही पूरा करेगी। यहाँ पर सिर्फ EDF न्यूक्लियर रिएक्टर्स को प्रोवाइड करेगी डील के तहत, जिसमें शामिल होंगे US पार्टनर GE स्टीम पावर भी। एंड अकॉर्डिंग टू AFP रिपोर्ट इस कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट बताई जा रही है लगभग टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स। ऑल्दो यहाँ पर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट कोई ऑफिशियल डिटेल जारी नहीं की गई है, दिस इज जस्ट एन एस्टिमेट। वैसे यहाँ पर इस प्लांट को लेकर कंपनी ने कुछ स्टेटमेंट्स भी जारी किए हैं। सबसे पहले तो ये जो फ्रेंच कंपनी है EDF ग्रुप, तो इसके चेयरमैन और CEO जीन बर्नार्ड ने कहा कि हम लो कार्बन एनर्जी सॉल्यूशन प्रोवाइड करने में पूरी दुनिया में ग्लोबल लीडर है और साथ ही में हम हैं वर्ल्ड्स लार्जेस्ट न्यूक्लियर ऑपरेटर। तो हमारे लिए काफी ज्यादा गर्व की बात है कि हम इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं और स्पेशली ऐसे टाइम पे जहां पर इंडियन गवर्नमेंट का टारगेट है टू अचीव 40% कार्बन डाइऑक्साइड फ्री एनर्जी बाय 2030, और ये पूरी तरह से रेसोनेट करता है हमारी कंपनी की फिलॉसफी से। सो डेफिनेटली ये काफी बड़ा स्टेप होगा टूवर्ड्स अचीविंग क्लीन एनर्जी, क्योंकि यहाँ पर हमें जीरो एमिशन क्लीन एनर्जी मिलती है। यहाँ पर कोई भी हार्मफुल बाय प्रोडक्ट एमिट नहीं होता है जिस तरह से फॉसिल फ्यूल के दौरान काफी ज्यादा एमिशन हो जाता है, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। वैसे आपको जानकर हैरानी होगी कि इस तरह के प्रोजेक्ट को हम 20 साल पहले ही अनाउंस कर चुके थे, लेकिन यहाँ पर इनहैबिटेंट्स के द्वारा काफी ज्यादा लोकल ऑपोजिशन देखने मिला। ये इसलिए हुआ क्योंकि 2011 के टाइम पे जापान में एक काफी बड़ा न्यूक्लियर डिजास्टर देखने मिला था इन फुकुशिमा, एंड इसी की वजह से यहाँ पर काफी सारे कैंपेन भी स्टार्ट हो चुके थे अगेंस्ट दिस प्लांट। लेकिन अब फाइनली ये वाला प्रोजेक्ट ऑन ट्रैक आता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर EDF का भी एस्टिमेट है कि इस प्रोजेक्ट के तहत 25,000 लोकल जॉब अपॉर्चुनिटीज निकल के आ सकती है ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन फेसेस, और वहीं पे 2,700 परमानेंट जॉब होंगी। इनके एक रिपोर्ट में भी इन्होंने बताया है कि जो जियोलॉजिकल कंडीशन है जहाँ पर ये कंस्ट्रक्ट करेंगे इन महाराष्ट्र, तो ये काफी ज्यादा एक्सीलेंट है और फुल्ली कंपेरेबल है जो ये फ्रांस में देखते हैं। सेम यहाँ पर कोई भी चेंजेस करने की कुछ भी जरूरत नहीं है, इट इज जस्ट परफेक्ट। वैसे एट प्रेजेंट इंडिया में देखें तो ऑलरेडी इंडिया में 22 फुल्ली फंक्शनिंग न्यूक्लियर रिएक्टर्स मौजूद है और मोस्ट ऑफ देम आर प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स, जो कि हमारे देश की रिक्वायरमेंट का 3% पावर जनरेट करते हैं। तो इस तरह के न्यूक्लियर रिएक्टर के अपने कुछ फायदे भी है और नुकसान भी है। फायदों की बात करें तो यहाँ पर तो सबसे पहले हमें काफी ज्यादा लो कार्बन एमिशन देखने मिलता है। इनफैक्ट रिन्यूएबल एनर्जीज जैसे सोलर विंड, उनसे भी कम एमिशन यहाँ पर होता है ऑन बेसिस ऑफ गीगावाट आवर्स। सेकेंडली यहाँ पर पर्टिकुलेट मैटर बिल्कुल भी एमिशन नहीं होता, यहाँ पर कोई केमिकल एमिशन नहीं होता। ये तो बात हो गई इसके प्रोस के बारे में, लेकिन अगर हम इसके कुछ कॉन्स को देखें तो इस तरह के कंस्ट्रक्शन को करना डेफिनेटली काफी ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है
और ज़्यादा कोई कंट्रीज इस तरह के एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट को अफोर्ड भी नहीं कर पाती। और क्योंकि ये इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है, इसी की वजह से आज के समय में अगर आप देखो तो आई थिंक रफली 30 कंट्रीज में ही इस तरह के प्लांट्स अभी तक बनाए गए हैं। दूसरी बात, जैसे कि मैंने बताया कि इस प्लांट को बनाने में ही लगभग 15 साल का समय लग जाएगा, तो इसका कंस्ट्रक्शन काफ़ी ज़्यादा स्लो होता है, बट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना हम अर्लियर स्टेज से स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर न्यूक्लियर वेस्ट भी एक चैलेंज बन जाता है, अगर इसे बेहतरीन ढंग से मैनेज नहीं किया तो कई बार ये डिजास्टर सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। बट इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर कुछ साइंटिस्ट डायमंड बैटरी टेक्नोलॉजी पर भी काम कर रहे हैं। इस पर ऑलरेडी हमने एक काफी बेहतरीन वीडियो भी बनाई है, अगर आपने वो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हो। इसके अलावा भी कई सारे रिस्क हो सकते हैं, जैसे कि अर्थक्वेक रिस्क और मोस्ट इंपॉर्टेंटली लोकल फिशिंग को इससे पोटेंशियल इम्पैक्ट हो सकता है। वेल, इस प्रोजेक्ट के रिलेटेड और ज्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन आने वाले कमिंग मंथ्स के भीतर ही मिल पाएगा, जब इसके कॉन्ट्रैक्ट्स फाइनलाइज होंगे और मोस्ट प्रोबेबली इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो सकता है अब। वैसे आपकी क्या राय इसके बारे में हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।